बदलते वक्त के साथ रीवा का अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय हुआ अखाड़े में तब्दील। राजभवन से 16 साल बाद आए फैसले से विश्वविद्यालय में कोहराम। ऊपर से देखा जाए तो रीवा का अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय हमेशा की तरह चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी चिंगारी जल रही थी जिसकी लपट में कई आचार्यों को ले लिया। हम बात कर रहे हैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के उस फैसले की जिसे 8 अक्टूबर 2003 को लिया गया था। उसमें मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत अध्यादेश क्रमांक 4B के तहत कुछ उपाचार्य आचार्य बना दिए गए थे। इस फैसले के खिलाफ राजभवन में शिकायत की गई थी। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के जिम्मेदार लोगों से जवाब भी मांगा था। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने 10 जनवरी 2007 को अपने फैसले को सही ठहराते हुए इसे निरस्त करने की मांग की थी, जिसका पत्र भी राजभवन को भेजा गया था। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत हुए इस फैसले की आग अंदर ही अंदर जलती रही। दबी बुझी चिंगारी 23 अप्रैल 2019 को भड़क उठी, यानी पूरे 16 साल बाद, जिसकी लपेट में दो पूर्व कुलपति सीडी सिंह और रहस्यमणि मिश्रा सहित 8 आचार्य आ गए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस फैसले में 3 लोगों को बचा लिया। इस तरीके का आरोप भी पूर्व कुलपतियों ने लगाया है। निश्चित रूप से एक गंभीर सवाल जिसका जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन को आज नहीं तो कल देना ही होगा। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ विश्वविद्यालय के आचार्य हाई कोर्ट चले गए, वहां उन्हें आज स्टे भी मिल गया। 8 में से 4 लोगों का रिटायरमेंट इस फैसले को लेने में विश्वविद्यालय प्रशासन सहित राज्यपाल भवन को 16 साल लग गए। यह हम नहीं कह रहे, यह फैसला खुद ही कह रहा। जो आज हुआ, इस बारे में हमने पूर्व कुलपति रहस्यमणि मिश्रा से बातचीत की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। ये नियुक्ति को लेकर यहाँ पर काफी दिनों से विवाद चल रहा, पूरा मामला क्या था और किस तरीके से आज आपको स्टे मिला? वर्ष 2003 में विश्वविद्यालय में 11 उपाचार्यों को आचार्य पद पर कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति दी गई थी। उस पदोन्नति के विरुद्ध एक आचार्य प्रोफेसर विजय अग्रवाल माननीय उच्च न्यायालय के शरण पे गए और साथ ही उन्होंने राजभवन में भी आवेदन किया कि 8 प्रोफेसरों की पदोन्नति गलत हुई है। राजभवन ने इसको संज्ञान में लेते हुए विश्वविद्यालय की कार्य परिषद को 105 नोटिस जारी किया था 2005 में, और कार्य परिषद ने हम लोगों से जवाब लेते हुए अपना जवाब राजभवन को प्रेषित किया था 2006 में। 2006 से ये प्रकरण एक तरह से बंद रहा। हम लोग तो यही सोचे थे कि संभवतः राजभवन हम लोगों के उत्तर से संतुष्ट है, और वैसे भी माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, तो ये सोचे थे कि उच्च न्यायालय से जो निर्णय होगा वो शिरोधार्य होगा। लेकिन इस बीच में 23 अप्रैल 2019 को एक राजभवन से हम लोगों की पदोन्नति 8 प्रोफेसरों की पदोन्नति की निरस्तगी का आदेश आ गया। उसके विरोध में हम तो सड़क पे आ गए थे, तो हमें मजबूरी में माननीय उच्च न्यायालय की शरण पे जाना पड़ा। और आज जैसा अभी करीब 1:30 बजे हमारे एडवोकेट ने सूचित किया कि प्रकरण पर स्टे मिल गया है, राजभवन का जो आदेश है उसमें माननीय उच्च न्यायालय स्टे दे दिया। तो सुना आपने, पूर्व कुलपति ने किस तरीके से बिंदुवार अपनी बात रखी। पूर्व कुलपति इस मामले को कोर्ट तक ले जाने वाले विजय अग्रवाल सहित एमपी पाठक और जेपी सिंह को इस फैसले से बाहर रखने पर भी सवाल उठाते हैं। वहीं इस पूरे फैसले को लेकर काफी आक्रोशित नजर आ रहे एक और पूर्व कुलपति सीडी सिंह से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था, हम प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रहेंगे। पांडवों का वनवास भी 5 साल चला था, वहीं राम का वनवास 14 साल का था। हमारा फैसला 16 साल बाद का है। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व कुलपति सीडी सिंह ने बातचीत में और क्या कहा। स्टे मिल गया जी, ये पूरा मामला किस नज़र से आप देखते हैं? नहीं, ये एक तरह से हरासमेंट की स्थिति थी, हतोत्साहित किया गया, और ये ऐसे समय में किया गया कि 2003 में हम प्रोफेसर बने, 2002 में ऑर्डिनेंस लागू हुआ, ऑर्डिनेंस 4B UGC रेगुलेशन 2000 के बेस पर ऑर्डिनेंस 4 लागू हुआ। उसमें ये व्यवस्था है कि 10(3) के अंतर्गत कि अगर पूरी इंटायर सर्विस में अगर आपको हार्डशिप झेलनी पड़ी हो तो आप प्रमोट हो सकते हैं। 17 साल के बाद हम लोग प्रमोट हो गए,
उसमें ये भी लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी जुलाई 98 से होगी। किसी ने हमसे कहा कि जुलाई 98 से क्यों होगी जब 2002 में लागू होगा, हमने कहा इसलिए होगी कि अगर हमारी हार्डशिप है, हमारी सर्विसेज और हैं, तो उस हार्डशिप के कारण हमको लाभ पीछे से मिलेगा तो उपयुक्त हो जाएगा, इसलिए हुआ। तो 2003 में हुआ, हम लोगों की पात्रता 2002 से हुई, मिश्रा जी की उगम चौहान की अजय अवस्थी की 2000 से हुई, क्योंकि ये लोग 1983 से थे, विजय अग्रवाल जी से और सी डी सिंह से पहले से ये लोग सीनियर थे लेक्चरर में। रीडर का इंटरव्यू हुआ तो वो सीनियर हो गए, अब फिर जब प्रोफेसर का हुआ तो ऑर्डिनेंस के अनुसार जो पहले से सीनियर है वो लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से हो गया, तो फिर ये लोग सीनियर हो गए तो उसके कारण उनको परेशानी हो गई, तो उन्होंने माननीय महामहिम के यहाँ अप्लाई किया, हाईकोर्ट में केस किया, 2005 से ही केस चल रही है। 2007 में ओमेश मुद्रा जी का लेटर आया कि अभी उनके विषय में कुछ निर्णय नहीं लिया जा सकता विजय अग्रवाल के विषय में, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में केस पेंडिंग है, लेकिन इसी बीच में ये अचानक ही आर्डर आ गया। 2003 के प्रमोशन का आर्डर 2019 में आया, 16 साल बाद, वनवास तो 14 साल का था, अज्ञातवास पांडवों का 12 साल 13 साल का था, 12 साल का वनवास था, एक तार का अज्ञातवास था, तो इस उतना समय बीत जाने के बाद 16 साल के बाद चार लोग रिटायर हो गए, एक दो साल में और लोग रिटायर हो जाएंगे, तो अगर इस तरह का निर्णय लेना था तो बातिल करना था तो पहले ही बातिल कर देते। तो क्या आप प्रोफेसर रहे या नहीं रहे? नहीं नहीं, हम प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रहेंगे। ये जो आदेश आज विश्वविद्यालय ने प्रसारित किया है जल्दीबाजी में निकाल दिया, क्योंकि हमारा अपॉइंटमेंट हम अपने से तो हुए नहीं, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने किया, कार्य परिषद ने किया, और ये आदेश निकालने में वाइस चांसलर ने इतना जल्दीबाजी कर दिया कि हम लोगों के अगेंस्ट पार्टी हो गए, जबकि उन्हीं के अगेंस्ट ये आदेश। चुनाव आचार संहिता इस दौरान लगी हुई है, इस दौरान आदेश निकलना एक साजिश की बू आती है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल साजिश है, और 23 तारीख को गिनती हो जाएगी, 27 तारीख को आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, 30 तारीख तक उसमें ऑर्डर में लिखा हुआ है, महामहिम राज्यपाल के यहाँ से जो लेटर आया उसमें लिखा है कि 2 महीने के अंदर कार्यवाही करें, तो 2 महीने का समय लंबा है, हमको लगता है कि वीसी साहब को लग रहा होगा कि कहीं हम बीच में न चले जाएं, तो इसलिए जल्दी से आदेश निकाल दें। विश्वविद्यालय प्रशासन में चल रही खींचतान का असर बाहर भी दिखाई पड़ने लगा है। संभागीय कॉलेज संघ के अध्यक्ष महेश शुक्ला ने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। उनका कहना था, विश्वविद्यालय के शिक्षकों को जब हमारी जरूरत पड़ेगी तब हम उनके साथ खड़े नजर आएंगे। रीवा में अभी जो एक पक्षी कार्य हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और मैं उसकी निंदा करता हूँ। महाविद्यालयीन शिक्षक संघ का संभागीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि ये शिक्षकी गरिमा के प्रतिकूल है, और उस लिस्ट में ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जो कि कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय में कुलपति पद को सुशोभित कर चुके हैं, और इतने वर्षों के बाद इस तरह का कार्य करना और इतनी जल्दी में करना, हमको लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, वो ये तो पता चलेगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत ही गलत बात हुई है और पूरी महाविद्यालयीन शिक्षक संघ इसकी निंदा करता है, और हम इन सारे शिक्षकों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं, जब भी कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी तो हम सारे शिक्षक इसका समर्थन करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा अलादीन के चिराग के जिन्न की तरह निकले इस 16 साल बाद के फैसले का असर किस तरीके से होता है।